पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीर मसला बताया। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, बीजेपी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी नेता ने कहा कि बिहार चुनाव के समय मेरे ऊपर भी हत्या का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन वो पूरा मामला फर्जी निकला। दरअसल कल एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी पर किसी ने हमला बोला, जिसमें उनके बाएं पैर और कंधे पर चोट आई है। वहीं बीजेपी ने इसे ड्रामा बताया है और आरोप लगाया कि सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की पार्टी ने बंगाल में टीएमसी को अपना समर्थन दिया है। इससे पहले कोलकाता जाकर तेजस्वी ने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की थी।